आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गाँव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गाँव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसे मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है
तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार्बर। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टी वी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे।
अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और रोनी के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहूकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान,
इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर, और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर शाहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और रोनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं।
और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को 2 सितारे किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले।
दोस्तों अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टी वी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गाँव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गाँव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक त्रिकुंत का ध्यान था वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग
उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहूकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें
और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नोबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसे मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई, क्योंकि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है
जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे।
तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था।
आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टी वी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गाँव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले ही से जानता है,
लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातोंरात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार्बर। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे,
शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार क्राफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और रोने के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है, तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है, और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं, और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी
मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेजी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को 2 सितारे किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि
मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर शाहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गाँव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गाँव में फैल जाती है। वस्तुतः रातोंरात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है।
फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार्बर। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई हैं जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो
तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नोबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार्बर। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम फिर नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्तों जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई हैं जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था
और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें, तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है, तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है, और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा।
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं, और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम हो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है,
तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई हैं जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू जो
पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं, इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई है क्योंकि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है,
लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुत रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूँगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं,
उन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमंतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त है या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी, इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार्बर। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है।
इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ दी हुई हैं जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहां पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टी वी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गाँव में अपने पति बिंदिया और अपने 2 बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार साहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह साहिर को पहले से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गाँव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक त्रिकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी शाहरुखार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं और ऐसे मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है।
यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर, तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं। काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं, और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रिया दर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है, जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी, रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर, और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर साहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है, जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और रौनक के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त
बुदबुदिया और नोबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग अब उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहूकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है बिल्लू, या फिर कह सकते हैं कि बिल्लू बार बार। मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी का फुल रिव्यू करूँगा ही, साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी के बारे में आप सभी को सारी जानकारी दूंगा और इस मूवी का फुल रिव्यू करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या फिर इमरान खान के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को बेशक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम बात करते हैं और इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 घंटे 16 मिनट का है। मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा और आपके 2 घंटे 16 मिनट कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपका जो टाइम है वो चला जाएगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएगी। इस मूवी को दोस्त जारी किया था प्रियदर्शन ने, जो कि काफ़ी एक अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की मूवीज दी हुई है, जो कि दोस्तों लोगों ने खूब पसंद की हुई है। इन्होंने पहले हंगामा, हंगामा 2 जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल की रही थी। हम इस मूवी के बारे में आगे बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का बजट 26 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का हुआ था। वैसे में ये एक हिट मूवी रही थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, इसके अलावा इरफान खान, इसके अलावा लारा दत्ता या फिर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ओम पुरी, राजपाल यादव, प्रियंका चोपड़ा, प्रतीक देलवी, असरानी, मनोज जोशी,
रसिका जोशी, मिताली महेकर, जगदीश, सुनील बॉब, ललित, उदय, चिराग वोहरा, यशपाल शर्मा, अतुल परूचे, शंकर और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। हम इस मूवी के बारे में बात करें कि मूवी के अंदर बिल्लू कौन है, तो बिल्लू जो है वो इरफान खान होते हैं। शाहरुख खान जो यहाँ पर शाहिर खान के रोल में है, लारा दत्ता यहाँ पर जो है वो बिंदिया के रोल में है, और दीपिका पादुकोण यहाँ पर डांसर होती है। इसके अलावा जो करीना कपूर है वो भी डांसर है। मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करें और मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों ये मूवी जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इसके अलावा गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सभी जगह पर आपको मूवी मिल जाएंगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए लगभग आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो बिल्लू एक गरीब नाई है जो कि बुदबुदा गांव में अपने पति बिंदिया और अपने दो बच्चे गुंजा और वर्ण के साथ रहता है। वह अपने करीबी दोस्त बुदबुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गांव आने तक बिल्लू एक असमान जीवित जीता है। बिल्लू ने अपने परिवार से कहा था कि वह शाहिर को पहले ही से जानता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि वह स्टार को कैसे जानता है। जब उसके बच्चे स्टार के पास अपने पिता की दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। वस्तुतः रातों रात बिल्लू, जो पहले अपनी निजी अवस्था के कारण सबसे अधिक तिरुकुंत का ध्यान था, वो केंद्र बन जाता है। जिन लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले ही उन्हें ठुकराया था, वे लोग उसको दोस्त बनाने लगते हैं। क्योंकि एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, बट जब पैसे आते हैं तो ऐसे लोग दोस्त बन जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्लू मना कर देता है और दोस्ती को कमांतर करता है, मतलब कि अब वो और दोस्त नहीं बनाता है। फिर भी शक्तिशाली व्यवसायी साहरुकार दामचंद साहिर से मिलने की मतलब मांग करते हैं, और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू के महंगे उपहार देते हैं। जब बिल्लू लगातार गांव के लोगों को साहिर से मिलवाने में नाकाम रहता है तो उसकी स्थिति एक बार फिर बदल जाती है। उस पर अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और हर कोई उसकी पत्नी और बच्चों के सहित उसके चरित्र और ईमानदारी के ऊपर संदेह करने लगता है। अपना बचाव करने के बजाय बिल्लू अपने और साहिर की दोस्ती के बारे में चुप रहता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये सच में दोस्त था या नहीं, क्या उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था या गलत था। आप सभी को इन सभी के जो जवाब है वो तभी मिलेंगे आप इस मूवी को देखेंगे। मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की थी, बोर नहीं करती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा मूवी अक्सर टीवी पर आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी दोस्तों आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह मूवी यूट्यूब पर देखने को मिले। दोस्तों अगर यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, वरना मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब कि मूवी को बाय करना पड़ेगा रेंट के ऊपर। तो रेंट देकर आप इस मूवी को ले सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है, तो आपके 75 रुपीज़ बेकार नहीं जाने वाले हैं। इस मूवी को एक बार देखिएगा, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। इसके अलावा आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं।